जय श्री महाकाल। दोस्तों कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप बहुत ही खुश और प्रसन्न होंगे। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि 2 तारीख 2 जुलाई 2019 में ग्रहण है और वो 3 या 4 घंटे का ग्रहण है। तो दोस्तों मेरा आप सभी से एक निवेदन है, जो भी मंत्र आप सिद्ध करना चाहते हैं, कोई भी एक मंत्र चुनना, चाहे वो बीज मंत्र हो, चाहे सावर मंत्र हो, या किसी की सिद्धि हो, वो चीज़ आप कीजिए। 2 तारीख के खाली मत जाने देना, 2 तारीख को बिल्कुल खाली मत जाने देना, किसी एक शक्ति को सिद्ध कर लेना, क्योंकि जो ग्रहण है वो 3-4 घंटे का है और उसमें जो भी मंत्र, जो उसमें 36 लाख 11 लाख 5 लाख कोई मतलब नहीं रखता है, 4 घंटे कंटिन्यू वो मंत्र आपको जाप करना है, चाहे वो बीज मंत्र है, चाहे सावर मंत्र है, या कोई भी साधना है, वो सिद्ध हो जाता है। ठीक है, ग्रहण काल में आप 3-4 घंटों उस पूरे मतलब ग्रहण काल में उसको जपते हो तो चाहे उसकी संख्या नहीं गिनी जाती है, फिर वो सिद्ध हो ही जाता है। इसलिए कोई भी मंत्र आप सिद्ध करना चाहते हैं, चाहे वो सावन मंत्र है, चाहे बीज मंत्र, वो कर लीजिए। 2 तारीख जुलाई में खाली नहीं जाना चाहिए, कोई भी एक मंत्र आप सिद्ध कर लीजिए, ये मेरी आपसे निवेदन है। हाँ, करना क्या है, सभी के साथ उपाय दिया हुआ है, कैसे करना है कैसे नहीं करना। यदि आपको कुछ भी समझ नहीं आता है तो जिस भी बीज मंत्र को आप सिद्ध करना चाहते हैं, वो जिस भी देवता का मंत्र है, अपने लिए आसन ले आइए, पूजा की सामग्री फूल पत्र है, अपना गंगाजल वगैरह दीपक वगैरह पहले ग्रहण काल से पहले स्थापित कर दीजिए और नहा के बैठ जाइए आसन पे ग्रहण काल से 5 मिनट पहले। और जहाँ बैठते हो थोड़ा गंगाजल छींके लगा लेना, आसन पे छा लेना, सामने चौकी रख लेना, उसकी तस्वीर रख लेना, जो भी देवता को आप सिद्ध करना चाहते हैं या सावरमंद को सिद्ध करना चाहते हैं, और हो जाओ स्टार्ट। रुद्राक्ष की माला लेके, कोई माला नहीं है तो गंगाजल में माला को जरूर डाल लेना, यदि प्राण प्रतिष्ठित माला नहीं है तो कोई बात नहीं है, गंगाजल में डुबो के रखना, उसमें ही 5 बार 9 शिवाय बोल के भगवान शिव को बोल के, प्रभु मेरे पास इतना टाइम नहीं है, आपकी कृपया से ये मेरी माला चमत्कारिक हो जाए, मेरी साधना को सफल करे, और 1 माला 9 शिवाय का जाप करके उसके बाद आप किसी भी मंत्र को सिद्ध कर सकते हो रुद्राक्ष की माला पे। तो ज़्यादा लफड़ेबाजी में पड़े नहीं, कोई भी एक मंत्र जरूर सिद्ध कर लें, कुछ भी नहीं बनता है, पूजा पाठ के सामान लाइए, जिस देवता को सिद्ध करना चाहे उसकी तस्वीर रखिए और आप आसन में छाकर चुपचाप, किसी को बताना नहीं है, अपने रुद्राक्ष माला से मंत्र जाप कर दीजिए। और हाँ, और भी कट्टर करना चाहते हैं तो एक ड्राम में पानी भर लीजिए, नदी में चले जाइए, तालाब में चले जाइए, टूड़ी तक पानी होना चाहिए, पानी में खड़े होकर यदि आप मंत्र जाप करते हैं तो कोई भी देवता आपको रोक नहीं सकता उस मंत्र को सिद्ध करने से, 4 घंटे जाप करने के बाद कोई नहीं रोक सकता आपकी उस शक्ति को, जल में खड़े होकर यदि आप किसी जल में खड़े होकर उस मंत्र का जाप करते हो तो वो बहुत ही अच्छा उपाय है, बाकी आपकी मर्जी है, पानी में होकर करो अच्छा बैठ के करो, लेकिन जरूर कोई ना कोई मंत्र सिद्ध कर लेना भैया, खाली मत जाने दो इस 2 जुलाई को। जय श्री महाकाल। और पूछने की ज़रूरत नहीं है, इसमें कई गुना, कई बोलते हैं ऋषि मुनि कहते हैं कि घर में 1 गुना, घर के वृक्ष के नीचे बाहर 10 गुना, गो स्थान पे 100 गुना, जमुना जी पे 1000 गुना, गंगा जी पे 1,00,000 गुना, और ग्रहण काल में 1,00,000 से भी कहीं गुना फल मिलता है। कहने मतलब ये, ग्रहण काल में मंत्र सिद्ध होता ही है भाई, और कोशिश करना पानी में खड़े होकर करो आप, और नहीं तो घर में भी कर सकते, कोई बड़ी बात नहीं है ये, लेकिन कर लेना। जय श्री महाकाल। कोई भी मंत्र हो, चाहे बीज मंत्र हो, सावन मंत्र, पूछने की जरूरत नहीं है, वो मंत्र सिद्ध होगा ही, चाहे कोई मंत्र है वो। जय श्री महाकाल। खुश रहो।